हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो लास्ट क्लास में हमने योजनाएं स्टार्ट की थी तथ्यवाण में, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट उसको आज ख़त्म करते हैं। और क्या कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, इस पूरी जो मैंने आपको 38 डेटें बताई थी इसमें से कुछ डेटें आपको याद रखना है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ उसको एक बार देख लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरे नंबर की स्वामित्व योजना, इसकी डेट आपको याद होनी ही चाहिए, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो दूसरी डेट मुझे लगता है जो इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है, उसमें आती है हाँ यहाँ पर एक आएगी सीएम किसान। तो सीएम किसान की डेट आपको याद रखना है, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट योजनाएँ हैं। एक सीएम किसान है ये वाली, मुख्यमंत्री सॉरी किसान कल्याण सीएम किसान ये योजना, ये दो की डेट तो आपको प्लीज़ याद रखना है। बाकी की डेट मुझे लगता है सिर्फ वर्ष पूछेगा, पर दो इलेक्शन के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आगे हमने देखते हैं कि कल की क्लास तक हमने कंप्लीट किया था कि यहाँ तक, अब चलते हैं। देखिए कुछ प्रमुख अभियान हैं जो आपको पता होना चाहिए एक एक दो दो शब्द में। जैसे कि मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इसमें पहले जो दो हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ और ये अभियान, और एक है यहाँ पर ये 22 का है, बाकी के मैंने जो लिखे हैं वो 21 के लिखे हैं, पंख अभियान सांस अभियान ये 21 के हैं, और बाकी के जो हैं ये सब हैं 20 के हैं। तो हमें सिर्फ इन अभियानों का संबंध किस चीज़ से है वो याद रखना है और वर्ष याद रखना है, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो जैसे ही अपन इसको देखते हैं कि इंदौर, जैसे पहले वाला मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो ये पॉलिसी कौन सी है, ये फसल बीमा पॉलिसी है। और फसल बीमा पॉलिसी में हमने क्या किया हुआ है, अब हम घर घर जाकर व्यक्ति को इस बारे में बताएंगे, इस पॉलिसी के बारे में बताएंगे। फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित है, कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, इंदौर से शुरुआत हुई है। दूसरी है पंख अभियान, पंख 21 में हुआ है, ये बालिका दिवस पर शुरुआत हुई थी 24 जनवरी को। पंख का फुल फॉर्म ये है, इसी में लिखा है कि ये किससे संबंधित है, प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज हेल्थ एंड हाइजीन। सांस अभियान, तो सांस निमोनिया से संबंधित है, शिशु मृत्यु दर को कम करने से इसका टारगेट रखा है। श्रम सिद्धि, श्रम मतलब लेबर है, लेबर का मतलब है मजदूरों को अब हम जॉब कार्ड बना के देंगे, इससे इसका संबंध है। थैंक्स मॉम अभियान ये 20 का है। सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय, ये एक अपना डायरेक्ट्रेट है, इस डायरेक्ट्रेट में हम वृक्ष लगा के उन वृक्ष की देखभाल माँ की तरह करना है, इसलिए इसको कहा है थैंक्स मॉम। तो ये निदेशालय में लगाए गए हैं वृक्ष, ये हुआ। इसके बाद ग्रामोदय, ग्रामोदय का संबंध किस चीज़ से है, ये विषय है आवास सुविधा से संबंधित है। सिकल सेल इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो इसका संबंध अपन ने देख लिया है कि हमने ये जो सिकल सेल है इसको इरेडिकेशन उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2047। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का लक्ष्य कहाँ तक रखा है, 2047 तक रखा हुआ है। तो ये सब 21 के हैं जितने लिखे हैं, तो आप अगर मेरे नोट्स को पढ़ रहे हैं तो बस इतना याद रखें इस स्लाइड में कि एक 22 का है और इधर के दो श्रम और थैंक्स मॉम 20 के हैं, और बाकी के ये जो लिखे हैं ये 21 के हैं, क्योंकि वो वर्ड्स आपसे पूछ सकता है, बाकी क्वेश्चन नहीं है इम्पोर्टेंट। अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में मैंने कुछ निकाली हैं जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है कि वैद्य आपके द्वार योजना, तो दो द्वार वाली हैं, एक ये देखिए एक यहाँ पे द्वार लिखा हुआ है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, एक वैद्य आपके द्वार, मतलब डॉक्टर खुद आएगा आपके घर पे। तो डॉक्टर आएगा तो किस ऐप के जरिए, तो उसका नाम है आयुष क्यूर, आयुष क्यूर ऐप के जरिए एक बनाया गया है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप इस आयुष क्यूर ऐप पे जाके लॉगिन करके बताएं और घर बैठे आयुष चिकित्सक आपके घर पे आएगा। सिमिलरली मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ये एसटी परिवार के लिए है, तो यहाँ पे एसटी के लिए है, ये याद रखना है। मुख्यमंत्री अगली स्कीम्स जो है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2021 की है, यहाँ पर भी युवा उद्यम मतलब उद्योग से रिलेटेड है, 18 से 45 वर्ष का युवा बिना गारंटी के उसे लोन दे दिया जाएगा ताकि वो उद्योग स्थापित कर सके। जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगती है वो ये है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसकी डेट याद रखना है 25 सितंबर 2020। इसके अंतर्गत कुल 4,000 रुपये दिए जाते हैं, 2,000 की दो किस्त दी जाती हैं, और पीएम किसान कल्याण योजना में 6,000 दी जाती हैं, 6,000 मतलब 2,000 की
तीन किस्त और इधर ये दो दो हज़ार की दो किस्त, तो इस तरह से 10,000 रुपये। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसकी डेट याद रखना है आपको। जो मैंने दो बताई हैं सिर्फ, एक स्वामित्व की और एक इसकी, डेट याद रखना है। कुछ और एक्स्ट्रा ये मुझे नहीं लगता कि ये पूछी जाएंगी, पर फिर भी मैंने बस लिखी है कि घरेलू हिंसा, तो अगर 40% मान लो कि घरेलू हिंसा होती है और कोई महिला या बालिका का अंग 40% से अधिक क्षति होता है तो उसे 4,00,000 तक की मदद का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सिमिलरली अगर कम है तो 2,00,000 तक की मदद का। युवा अन्न दूत इसके लिए वाहन सुविधा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे PDS शॉप से जो भी केंद्र है वहाँ तक की परिवहन सेवा के लिए 18 से 45 वर्ष के युवा यदि 8वीं पास हैं तो उन्हें वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये है, इसको आप लिख लें, आप ये इम्पॉर्टेंट है, 22 का है इस वजह से मैं कह रहा हूँ, तो वाहन उपलब्ध से रिलेटेड है। प्राकृतिक कृषि आप समझते हैं कि हमें जो भी पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर हटाना है और जो खेती हो वो कैसी हो, प्राकृतिक हो, इस पर जोर दिया गया है। तो इसमें सिर्फ युवा अन्न दूत और मैंने आपको किसान कल्याण बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आप याद रखें। नेक्स्ट आता है कुछ विभाग के परिवर्तित नाम। देखिए अगर आप चाहते हैं कि अपन को अगर तथ्यवाण में से कुछ सीधे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्रैक होते हैं, अगर आप उनको चाहते हो तो आप देखना एक एरिया इस वाली जो कॉलम उसमें दी हुई है उसको पूरा ही पढ़ लें, आप उस कॉलम से पूरा ही पढ़ लें। एक क्वेश्चन अपन यहाँ से मारेंगे कि विभाग के परिवर्तित नाम या कोई स्थान है उसके परिवर्तित नाम, दूसरा है पुरस्कार जो मैंने शुरुआत में करवा दिए हैं, तीसरा है स्पोर्ट्स जहाँ से आना है, चौथा है जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, पांचवा है बजट, एक क्वेश्चन बजट से आना है। ये क्वेश्चन अगर आप करते हो, इतने अपन डायरेक्ट कर चुके हैं, और एक विविध इसमें वो पूछेगा कि इस मध्य प्रदेश में इस चीज़ में ये कौन सा ज़िला है, कोई एक लाइन देगा ये चीज़ कहाँ से शुरू की गई है, ऐसा वो हम अब करेंगे। तो अगर आप चाहते हो सीधे सीधे क्वेश्चन आप क्रैक करो तो पहला टॉपिक ये उठाओ, क्योंकि एक पेज में आप एक क्वेश्चन बना लोगे। दूसरा पुरस्कार जो हमने पढ़े हैं बना लोगे, तीसरा जो है स्पोर्ट्स वाला सेक्शन जिसे हम पढ़ेंगे एक उसमें से, एक आर्थिक सर्वेक्षण हम कर चुके हैं, बजट हम कर चुके हैं। तो ऐसे करके करोगे तो बहुत छोटे से मटेरियल से आपको 4-5 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए इस तरह से आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है विभाग के परिवर्तित नाम, ये आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि राज्य योजना आयोग को लिख दिया है, राज्य नीति एवं योजना आयोग नाम दिया गया है, तो राज्य योजना में नीति एवं योजना ये वाले शब्द जोड़ दिए हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग को जनजातीय कार्य विभाग दिया गया है, तो आदिम जाति कल्याण विभाग को जनजातीय कार्य विभाग दिया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आध्यात्म विभाग का नाम बदल के कर दिया है धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग, ये प्लीज़ जो मैंने लिखे हैं ये विभागों के नाम आप जरूर याद रखें, ये पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, तो निःशक्तजन कल्याण की जगह दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग कर दिया है, तो अब नाम हो गया सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग। घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति विभाग में घुमंतु के आगे एक शब्द जोड़ दिया, विमुक्त कर दिया है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये विभाग मुझे लगे कि ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं तो आपको याद होना चाहिए। स्थानों में जो मुझे लगा है एक क्वेश्चन सामान्यता जो मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए, वो बस ये पूछा जाना चाहिए, इस्लाम नगर का नाम परिवर्तित करके जगदीशपुर कर दिया है, क्योंकि पहले ये जगदीशपुरी था। और जो मुझे कुछ इसमें लगे उसमें बाबई का पूछ सकते हैं, माखनलाल नगर, और जो दूसरे हैं उसमें आप देखेंगे जो कम इम्पॉर्टेंट हैं, बैरागढ़ स्टेशन का नाम बदल के हृदय नाम, इटालियन गार्डन ग्वालियर का है इसका आदि शंकराचार्य, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला का है उसका रानी फूलकुंवरी, ये शंकर शाह की वाइफ हैं, तो उनकी वाइफ और शंकर शाह दोनों के नाम पे इनके परिवर्तित किए गए हैं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम शंकर शाह कर दिया है, महिला पॉलिटेक्निक का फूलकुंवरी, और बाबरी जो जगह है उसका नाम बलरामपुर किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो है इनको आप याद रखिए, जो मैंने 5 क्वेश्चंस बताए हैं एरिया उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि हम कम मटेरियल में ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकें। और टेलीग्राम पे मैंने लिंक में ये सब चीज़ें आपको PDF भी शेयर की हुई है, तो प्लीज़ इसके एक एक दो दो पेज करते जाएं, सिर्फ देखते जाएं, लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगी तो प्रिंट निकाल लेना और जैसा मैंने बताया है वैसा कंप्लीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।